एफ के काफिले पर आतंकी हमले और 40 जवानों के शहीद हो जाने के बाद से लगातार वर्ल्ड कप 2019 में भारत और पाकिस्तान के खेलने को लेकर संशय जारी है। हालांकि आईसीसी की ओर से जारी किए गए बयान में साफ कर दिया गया है कि विश्व कप के शेड्यूल में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता। वहीं बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी से लेकर के कई भारतीय खिलाड़ी भी विश्व कप में पाकिस्तान के साथ मैच न खेलने की मांग कर रहे हैं। तो साथ ही जयपुर के क्रिकेट खिलाड़ियों में भी अब पाकिस्तान को लेकर जबरदस्त रोष है। खिलाड़ियों का कहना है कि अब गोली और गेंद एक साथ नहीं चलेगी। पाकिस्तान की टीम को विश्व कप से ही बैन कर देना चाहिए और आगे कभी भी भारत और पाकिस्तान को मैच नहीं खेलना चाहिए। आतंकी हमले के बाद लगातार अब देश भर में खेल जगत में भी जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने अभी हाल ही में अपनी फोटो गैलरी से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें हटा दी थी और इसी के साथ साथ वहीं दूसरी ओर अब जो तमाम खिलाड़ी हैं वो भी इस बात की मांग करने लगे हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला जाएगा। लिहाजा इस वक्त हमारे साथ नौनिहाल से लेके कोचेस तक मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें कि क्या वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ, जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, क्या लगता है कि गोली और गेंद एक साथ संभव है? एक साथ संभव नहीं है, गोली चलेगी तो गेंद नहीं चलेगी। तो क्या भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए? नहीं खेलना चाहिए। आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता तब तक नहीं खेलना चाहिए। आतंकवाद जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक मैच नहीं खेलना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या गोली और गेंद एक साथ चल सकते हैं? जी सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक तरफ गोली चले और दूसरी तरफ गेंद चले या बॉल चले। सबसे बड़ा है, जब तक पूरा पाकिस्तान करप्ट है तो मेरा ये मानना है कि बीसीसीआई को पाकिस्तान को पूरे को ही वर्ल्ड कप से बाहर करना चाहिए। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर देना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए या फिर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ही बैन कर देना चाहिए? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक तरीके का जड़ आतंकवाद है, उसके साथ तो हमें कोई संबंध रखने ही नहीं चाहिए। क्रिकेट ही नहीं, ओवरऑल कोई भी संबंध हमें उससे रखने ही नहीं चाहिए। और जैसा कि सर ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से, उसको वर्ल्ड कप में ही हमें बैन करना चाहिए। तो ये लास्ट जो डिसीजन होगा वो बीसीसीआई का होगा। तो मैं, अगर वो सुन रहे हैं बात हम लोगों की, तो बीसीसीआई से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बार आईसीसी पर वो इंटरनेशनल दबाव बनाए कि पाकिस्तान के साथ हमें नहीं खेलना और वो बायकॉट करें, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बायकॉट करना चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या भारत और पाकिस्तान एक साथ अब मैच खेलें, ये ऐसा संभव है? नहीं सर, एक्चुअली नहीं होना चाहिए। बहुत सारी फैसिलिटी तो वैसे ही अभी बंद कर दी है उनकी अगेंस्ट, तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच तो नहीं होना चाहिए वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में नहीं होना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या भारत और पाकिस्तान को एक साथ मैच खेलना चाहिए, क्या गोली और गेंद एक साथ संभव है? बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। वर्ल्ड कप में एंट्री नहीं देनी चाहिए इनको, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में एंट्री ही नहीं देनी चाहिए। कुछ नौनिहाल खिलाड़ी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, आप बताइए क्या भारत और पाकिस्तान को एक साथ मैच खेलना चाहिए जिस प्रकार से आतंकी घटनाक्रम चल रहा है? जी, जिस तरह से पाकिस्तान हमारे ऊपर लगातार हमले करते जा रहे हैं, उसको देख के आईसीसी ने भी कुछ सोचा होगा और इंडिया का पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए, यही मेरा सुझाव है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या भारत पाकिस्तान मैच खेले तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन कर देना चाहिए? पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन करना चाहिए क्योंकि वो आतंकी हमला करे जा रहे हैं, हम पर इसे मैच नहीं खेलना। तो ये वो नौनिहाल खिलाड़ी है जो अपने अंदर ये हसरत लेके चल रहे हैं कि कभी वो भारतीय टीम का हिस्सा बने, लेकिन जिस प्रकार से पुलवामा में आतंकी घटनाक्रम चला उसके बाद से नौनिहाल से लेके बड़े खिलाड़ियों के अंदर रोष है और उनका साफ तौर पे कहना है कि अब गोली और गेंद एक साथ नहीं चलेंगे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ रूपेश मिश्रा, इंडिया न्यूज जयपुर।